पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। अब पश्चिम बंगाल पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा है, इससे कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं। ये बात भी निकलकर सामने आई है, आरोप है कि नॉर्थ 24 परगना के खरदा पुलिस स्टेशन में कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज हुआ है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि बीजेपी के सभासद और 3 नेताओं को थाने के अंदर जमकर पीटा गया। दरअसल यह हंगामा तब हुआ जब बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर कार्यक्रम चला रहे थे। पुलिस ने बीजेपी के सभासद को हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, ममता बनर्जी की पुलिस तालिबानी शासन चला रही है। यानी कि लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल से बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस के एक्शन की खबरें आती हैं, वहां की रवैये की खबरें आती हैं, उसी के बीच एक बात और निकलकर सामने आई है जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, मारपीट बीजेपी कार्यकर्ताओं की गई है। इसमें काफी सारे बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो जख्मी भी हो गए हैं। नॉर्थ 24 परगना के एक पुलिस थाने पर ये पूरा आरोप लगा है जहां से बीजेपी सभासद और 3 नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस की ओर से किया गया। इस लाठीचार्ज में ये नेता घायल हो गए, जख्मी हालत में इन्हें देखा गया कार्यकर्ताओं की ओर से। अब इसका विरोध भी लगातार किया जा रहा है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंगल जी इसी खबर पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। जी शानी। अतुल जी, कैसे इस घटना को देखते हैं? लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले की खबरें सामने आते रहती है, कुछ इस तरह की चीजें पश्चिम बंगाल से जरूर निकलकर सामने आई, और इसी बीच अब एक बात और निकलकर सामने आई है जब पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से एक बीजेपी सभासद और 3 नेताओं को मारा पीटा गया है, उनकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है और जख्मी हालत में कार्यकर्ताओं ने उन्हें देखा है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है, लगातार हमले किए जा रहे हैं और खास तौर से जो आरोप लगते हैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर और सरकार के ऊपर। पुलिस जो है वो सरकार के इशारों पर काम करती है और लगातार इस तरह के हमले होना ये निंदनीय घटना है। और इससे पहले आपने देखा कि जिस तरीके से जेपी नड्डा की कार पर हमला किया गया था, कैलाश विजयवर्गीय जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो घायल हुए थे। और एक तरीके से निरंकुश शासन वहां पर चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये सरकार बौखलाहट के अंदर, सरकार की बौखलाहट का नतीजा है कि जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है राज्य का, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव ना हो पाए। तो कुल मिलाकर इन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों वहां के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी चेतावनी दी थी ममता सरकार को और अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजी थी और साथ में ये भी कहा था कि अगर ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई तो उनका कार्य शुरू हो जाएगा, यानी वो उसमें दखल करेंगे। बावजूद इसके अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई इस पर बहुत बड़ा संज्ञान नहीं लिया गया है और ये जो टकराव है ये साफ दिखाई दे रहा है। जो 3 अधिकारियों को तलब किया गया था दिल्ली, उनको ममता बनर्जी ने भेजने से मना कर दिया। तो एक तरीके से ये लोकतंत्र के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र की मर्यादा का पालन होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव है वो आते जाते रहते हैं ईशानी, और ऐसी जो घटनाएं हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण इन घटनाओं को कहा जा सकता है। बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण जरूर ये घटना है, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह से हमला किया जा रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की जा रही है, कहीं बड़ा हाथ होना जरूर इसमें हो सकता है। इसके अलावा तमाम तरह के सवाल कानून व्यवस्था पर जरूर उठ रहे हैं। बीजेपी सांसद की ओर से एक स्टेटमेंट दिया गया कि ममता बनर्जी तालिबानी शासन वहां पर चला रही है। उसके अलावा चुनावी हलचल तेज है, बीजेपी की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कई राज्यों में काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली, और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो खासा प्रभाव बीजेपी नेताओं का वहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं उनको अच्छा सपोर्ट वहां पर जनता की ओर से मिल रहा है, क्या उसी का परिणाम ये है? बिल्कुल, इसको हताशा कहा जा सकता है जो दूसरे दल हैं, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर नतीजे आए हैं और बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और अच्छी सीटों से उसने वहां पर अपनी बढ़त बनाई है, कमल खिला है, जिसको बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। हैदराबाद के चुनाव में आपने देखा, तो तमाम जो चुनाव हैं अलग अलग राज्यों के उसके अंदर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी जताने में कामयाब हुई है, क्योंकि दक्षिण के अंदर बीजेपी काफी कम थी लेकिन वहां पर उसने अपने पैर पसारे हैं। और हम जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यही डर जो है कहीं ना कहीं विरोधी दलों को पश्चिम बंगाल के अंदर सता रहा है कि बीजेपी अगर यहां पर अच्छी सीटें ले गई या सरकार बनाती है तो एक उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और ये उनकी हताशा को इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता बार बार बोलते हैं कि इससे सरकार और तृणमूल कांग्रेस की हताशा दिखाई देती है और इसीलिए वो जो है किसी भी तरीके से दमन करके बीजेपी कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाना चाहती है। जी बिल्कुल अतुल जी, अब देखना भी दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी जो घटना सामने आई है इसके बाद आखिर किस तरह से इसका संज्ञान लिया जाता है और आखिर क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी। बहुत धन्यवाद अतुल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।